नमस्ते बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक से चिड़ा चिड़िया नामक पाठ पढ़ेंगे। इस कहानी में चिड़ा चिड़िया के बीच बातचीत के द्वारा हमें यह बताया गया है कि हम जो अनाज दालें सब्जियां आदि खाते हैं वो हम तक कैसे पहुंचती है, उन्हें कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ता है। इस कहानी में चिड़ा चिड़िया अपने बच्चों के लिए खिचड़ी बनाने के लिए दाल चावल नमक मसाला कहाँ से लाते हैं और कैसे अपने बच्चों के लिए भोजन बनाते हैं, उसी प्रकार हमें हमारा भोजन बहुत मेहनत के बाद प्राप्त होता है। तो बच्चों, चलिए हम कहानी पढ़ते हैं। एक किसान अपनी पत्नी पर आदत्ता नामे बड़ी की मात्रा नी पत्नी के साथ पेड़ की छाया में बैठकर खाना खा रहा था। एक किसान अपनी पत्नी के साथ पेड़ की छाया में बैठकर खाना खा रहा था। बच्चों, यहाँ पे एक खड़ी लाइन है जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं, जो जो थोड़ी देर के लिए हमें रुकना होता है जब पढ़ते हैं तब। पास ही दरी पर उनका बच्चा लेटा हुआ था। पास ही दरी पर उनका बच्चा लेटा हुआ था। तभी एक चींटी ने बच्चे को काट लिया। तभी एक चींटी ने बच्चे को काट लिया। बच्चा बा अधचा चा में आग मात्रा चा बच्चा रोने लगा। बच्चा रोने लगा। उसे चुप कराने के लिए किसान की पत्नी ने उसके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा उसे चुप कराने के लिए किसान की पत्नी ने उसके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा डाल दिया। किसान ने जब यह देखा तो बच्चे ब अधचा चा में एक मात्रा चे बच्चे के मुंह से रोटी का टुकड़ा निकाल कर, बच्चों ये दो शब्दों से मिलकर बना है, निकाल धन कर निकाल कर फेंक दिया। और पत्नी प आधता नी पत्नी को समझाया। तो एक किसान अपनी पत्नी के साथ एक पेड़ के नीचे पेड़ की छाया में बैठकर खाना खा रहे थे। पास में दरी पर उनका बच्चा, जो उनका छोटा बच्चा, वो लेटा हुआ था अर्थात सोया हुआ था। तभी एक चींटी ने किसान के बच्चे को काट लिया और किसान का बच्चा रोने लगा। उसे चुप कराने के लिए किसान की पत्नी ने उसके मुंह में एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा डाल दिया। जब किसान ने देखा कि बच्चे के मुंह में रोटी का टुकड़ा, तो उस टुकड़े को किसान निकालकर बाहर फेंका और अपनी पत्नी को समझाया। किसान, अरे अकल की खोटी,
अरे अकल की खोटी, अर्थात अकल की खोटी का अर्थ है कम अकल वाली। क्यों, इसे खिलाई रोटी। अरे अकल की खोटी, क्यों इसे खिलाई रोटी। बिना दांत के कैसे खाएगा यह रोटी, बिना दांत के कैसे खाएगा यह रोटी। दांत बिना भला, दांत बिना भला कैसे चबाएगा यह रोटी। इसे घर ले जा, इसे घर ले जा। ले जाकर दूध पिला, ले जाकर दूध पिला। या दाल चावल, या दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बना, या दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बना। किसान, किसान अपनी पत्नी से कहता है, अरे कम अकल वाली, बच्चे को रोटी क्यों खिलाई, इसके तो दांत नहीं है, कैसे खाएगा यह रोटी और बिना दांत के कैसे चबाएगा रोटी। तो किसान कहता है अपनी पत्नी से कि इसे घर ले जा, बच्चे को घर ले जा, घर ले जाकर उसे दूध पिला और या फिर दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बना। दाल और चावल को मिलाकर खिचड़ी बनाने के लिए किसान अपनी पत्नी से कहता है। आगे है, उसी पेड़ पर एक घोंसले में चिड़ा चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठे थे। उसी पेड़ पर एक घोंसले, बच्चों यहाँ घोंसले अर्थ घोंसला जो चिड़ियों का घर होता है, आप लोग तो देखे होंगे चिड़ियों का घोंसला अर्थात चिड़ियों का घर, में चिड़ा चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठे थे। चिड़ा उड़कर नीचे आया और फेंका हुआ रोटी का टुकड़ा चोंच में दबाकर अपने बच्चों के खाने के लिए ले आया। चिड़िया ने किसान की बात सुन ली थी, चिड़िया ने किसान की बात सुन ली थी। उसने सोचा रोटी का टुकड़ा, उसने सोचा रोटी का टुकड़ा मेरे बच्चों के गले में फंस गया तो, रोटी का टुकड़ा मेरे बच्चों के गले में फंस गया तो। वह बोली। अब जो किसान और किसान की पत्नी जिस पेड़ के नीचे बैठ के खाना खा रहे थे, उसी पेड़ के ऊपर एक चिड़ा और चिड़िया का घर था और चिड़ा कहीं गया हुआ था, तो चिड़िया अपने बच्चों के साथ वहाँ पर बैठी थी। जब चिड़ा उड़कर नीचे गया और किसान ने जो रोटी का टुकड़ा फेंका हुआ था उसे चिड़ा अपने चोंच में दबाकर अपने बच्चों के खाने के लिए लाया। चिड़िया ने किसान और जो पत्नी आपस में जो बात कर रहे थे वो चिड़िया ने सुन ली थी। चिड़िया ने सोचा रोटी का टुकड़ा मेरे बच्चों के गले में फंस गया तो।
जो रोटी का टुकड़ा है वो चिड़िया के बच्चों के गले में फंस गया तो वह बोली, चिड़िया बोली, चिड़िया अकल है तेरी बिल्कुल खोटी, अकल है तेरी बिल्कुल खोटी, मैं ना खिलाऊं, मैं ना खिलाऊं अपने बच्चे को रोटी, मैं ना खिलाऊं अपने बच्चे को रोटी। चिड़ा, अरे मेरी भोली चिड़ैया, अरे मेरी भोली चिड़ैया, अनजान क्या होती है, अनजान क्या होती है, खिचड़ी पहले यह जान, क्या होती है खिचड़ी पहले यह जान, पहले लाओ चावल, पहले लाओ चावल, फिर लाओ दाल, फिर लाओ दाल, दोनों को पकाकर, दोनों को पकाकर नमक मसाला डाल, जब पके चावल, जब पके दाल, फिर सजाओ खिचड़ी से अपना थाल, फिर सजाओ खिचड़ी से अपना थाल। चिड़िया, कैसे आए चावल, कहाँ से लाऊं दाल, कैसे आए चावल, कहाँ से लाऊं दाल, कैसे पकाऊं खिचड़ी, कैसे पकाऊं खिचड़ी, जो खाए मेरे लाल। तो चिड़िया चिड़े से कहती है कि अकल है तेरी बिल्कुल खोटी, मतलब तेरे पास अकल नहीं है, दिमाग नहीं है, मैं अपने बच्चे को रोटी नहीं खिलाऊंगी। तो चिड़ा चिड़िया से कहती है, अरे मेरी भोली चिड़िया, अनजान मतलब जो कुछ नहीं जानते, अनजान मत बन, पहले ये तो जान ले खिचड़ी कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है खिचड़ी। चिड़ा चिड़िया से कहते हैं कि पहले लाओ चावल, जो चिड़ा है चिड़िया से बोलता है कि पहले लाओ चावल और फिर दाल, दोनों को पकाकर, जब चावल और दाल को पका लो, फिर नमक मसाला डालकर हम क्या बनाते हैं, खिचड़ी। तो नमक मसाला डाल के खिचड़ी पका लो और अपने थाली में डालो। तो चिड़िया फिर चिड़े से कहती है, कैसे आए चावल, मतलब कहाँ से आएंगे चावल और कहाँ से लाऊंगी दाल, और कैसे बनाऊंगी खिचड़ी जो मेरे बच्चे खा सके खिचड़ी। आगे है, चिड़ा था चतुर, चतुर यानी होशियार, बोला चिड़ा, बादल आकर बरसेंगे, पानी सब में भर देंगे, पेड़ नहाए पानी में, मछली उछले तालों में, तालों का अर्थ है तालाब, यहाँ तालों का अर्थ है तालाब में, मेढक टर टर टर, और ये जो ऊपर में रेफ है इसे भी हम रा करेंगे, टर टर,
शोर करे, कोयल कुकू देर करे, कोयल कुकू देर करे। चिड़ा अपनी चिड़िया को कहता है जब बादल आके बरसेंगे, बादल यानी पानी जब बरसेंगे गिरेंगे तो पानी सब में सब जगह पानी भर जाएगा और पेड़ पानियों से पानी जब गिरेंगे तो पेड़ नहाएंगे पानी से नहाएंगे और मछली जो तालाब में उछलेंगे और मेंढक अपनी आवाज़ से टर टर का शोर करेंगे और कोयल कुकू की आवाज़ निकालेगी। उस पानी में जाकर हम करेंगे धान का तब रोपण, करेंगे धान का तब रोपण। रोपण अर्थात जो धान के छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको बोना लगाना। धीरे धीरे धान बढ़ेगा, धीरे धीरे धान बढ़ेगा, सोने सा रंग खूब चढ़ेगा, सोने सा रंग खूब चढ़ेगा। तब उसको काटेंगे हम छोटे बड़े गांव के जन, तब उसको काटेंगे हम छोटे बड़े गांव के जन। जब धान धीरे धीरे बड़ा होगा और सोने सा रंग मतलब जब धान बड़ा होगा और पक जाएगा तो उसका रंग कैसे दिखता है, सोने की तरह दिखता है। अब जब धान पक जाने के बाद उसको गांव के लोग जो छोटे बड़े गांव के लोग हैं वो काटेंगे। यहाँ पे जन का अर्थ है लोग, जो गांव में रहने वाले छोटे बड़े लोग हैं वे धान को काटेंगे। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही, हम आगे का पाठ अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आज का आपका गृह कार्य है कि आप इस पाठ को अपने से स्वयं अभ्यास करें, पढ़ने की कोशिश करें कम से कम 2 बार। धन्यवाद।